नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने इस वीडियो के लास्ट पार्ट में देखा था कि वास्तु में अलग अलग कट्स हैं। कट, वास्तु कट होना मतलब क्या कि ये अगर ऐसे कट्स हैं तो उसके ऊपर क्या परिणाम होंगे उसके, ये हमने सभी मुख्य दिशाएं उपदिशाओं के बारे में देखा था। अगर आपने वो देखा नहीं है तो कृपया वो पार्ट देखिए, क्योंकि तभी आपको ये रेमेडीज समझ में आएंगे कि क्यों करना है, उसका आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम है और क्या इम्पैक्ट है, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं हम कि रेमेडीज क्या है कट्स के ऊपर। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था मुख्य दिशाएं, इन मुख्य दिशाओं में किस प्रकार से कट आते हैं या किस प्रकार से ये कट हो सकती है। जब हम किसी भी फ्लैट में, रो हाउस में या घर में एंटर करते हैं तो इमीजिएटली हमें वो कट्स समझ में नहीं आते, क्योंकि हम उस व्यू से उस घर को नहीं देखते हैं। जब हम लेआउट देखेंगे तब हमें क्लियरली इंडिकेट होता है कि ओके, यहाँ पर कट है, यहाँ पर कट है, या फिर किस दिशा में कट है, ये हमें क्लियरली इंडिकेट होगा अगर हम उस वास्तु का लेआउट देखेंगे तो। तो अभी इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मुख्य दिशाएं। मुख्य दिशाओं में अगर कट है तो उसके ऊपर हम क्या रेमेडी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कट गैलरी की वजह से है, जैसे कि समझो ये यहाँ पर एक गैलरी है, यहाँ पर एक गैलरी है और इसकी वजह से ये कट क्रिएट हुआ है, तो इसके ऊपर हम क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ के जो डोर है, यहाँ पे गैलरी का जो दरवाजा रहेगा, यहाँ पर या जिस भी दिशा में ये गैलरीज है उस दिशा में जो दरवाजा रहेगा, उस दरवाजे को हमें पिरामिड की स्ट्रिप से, जैसा मैंने पहले भी बताया है 3 पिरामिड का स्ट्रिप आता है, इस स्ट्रिप से दरवाजे के, ये हमारा डोर होता है, इस डोर को नीचे फेसिंग करके हमें ऐसा वो स्ट्रिप यहाँ पर लगाना है। अभी समझो ये डोर है, डोर के ऊपर आपको ये 3 स्ट्रिप लगाना है, यानी टोटल 9 पिरामिड्स होंगे। ये स्ट्रिप हमें वहाँ पर लगाना है। आप ये पिरामिड कैसे लगाना है, इसका क्या विधि है, कब लगाना है, ये सभी चीज़ें हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसका कुछ कंसल्टेशन का अगर नॉमिनल चार्जेस है वो आप पे कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो आपको 9 पिरामिड्स यहाँ पर लगाना है दरवाजे के ऊपर, यानी कि वहाँ से हम उस पोर्शन को कट कर देंगे। अभी आपको कंसल्ट इसलिए करना है दोस्तों टीम से, क्योंकि ये सिर्फ दरवाजे का पोर्शन हमें देखना पड़ेगा कि सिर्फ यहाँ पर पिरामिड स्ट्रिप लगाना इनफ है या फिर हमें यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कवर करना है। जैसे कि रूफ पे कुछ पिरामिड स्ट्रिप्स हमें लगाकर यहाँ पे वर्चुअल वॉल ही क्रिएट करना है, ताकि ये जो कट इधर बना है ये कट निकल जाए। तो इसलिए हमें कंसल्ट कीजिए कि आपको हम ये गाइड कर सकें। ये हो गया फर्स्ट वे, जिसमें आप पिरामिड्स यूज़ कर सकते हैं, पिरामिड यूज़ करके ये जो पार्ट है निकाल सकते हैं। दूसरा वे है पिरामिड, ऐसे वाले पिरामिड हम यूज़ कर सकते हैं। ये पिरामिड यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ की एनर्जी इन्हांस कर सकते हैं। अभी कट के वजह से क्या हुआ है कि इधर की एनर्जी कट हुई है, इसका इम्पैक्ट कम हो चुका है। अभी मैं एज एग्जांपल ईस्ट आपको बता रहा हूँ, लेकिन हर एक मुख्य दिशाओं में हम ये रेमेडी कर सकते हैं। अभी समझो इस दिशा में कट है, इसमें है, इसमें, या किधर भी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, किधर भी कट है, तो आप ये पिरामिड यूज़ करके वहाँ की एनर्जी इन्हांस कर सकते हो। अब ये पिरामिड यूज़ करके एनर्जी इन्हांस कैसे करना है, उसको कैसे बढ़ाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो पिरामिड्स है, ये पिरामिड्स रूफ़ के ऊपर हमें लगाने होते हैं। रूफ़ के ऊपर लगा के उसके कुछ मात्रा होती है। सबसे पहले आपके वास्तु का साइज देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कितने पिरामिड लगेंगे। तो ये सब देख के हम सजेस्ट करेंगे कि आपको कितने पिरामिड लगाना है, ताकि वहाँ की एनर्जी इन्हांस हो। तो वो एनर्जी हम इन्हांस करेंगे। एनर्जी इन्हांस करने से यहाँ की जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कम हुई है, वो हम बढ़ा सकते हैं। तो ये एक रेमेडी है। सबसे पहले है पिरामिड के स्ट्रिप्स हमने वहाँ पे लगाए, जिसकी वजह से हमने ये पार्ट कट कर दिया। या फिर इधर नॉर्थ में हम देखते हैं यहाँ पर डक्ट
क्रिएट किया है, तो हम इतना पार्ट भी कट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी ये कट वास्तु में से निकल जाएगा, ये एक रेमेडी हो सकती है। या फिर इधर भी हम एनर्जी इन्हांस कर सकते हैं, एनर्जी इन्हांस करके हम वहाँ का जो कट की निगेटिव एनर्जी है उसका इम्पैक्ट कम कर देंगे वास्तु के ऊपर। सेम वे अगर किसी भी दिशा में है, साउथ वेस्ट में है, तो सबसे पहले आप ये रेमेडी कर लीजिए, क्योंकि साउथ वेस्ट की एनर्जी इंस्टेबिलिटी लाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है फाइनेंशियल वाली। तो ये कट किसी भी दिशा में हो, मुख्य दिशा में आप ये रेमेडी कर सकते हैं। एक हो गया पिरामिड स्ट्रिप, दूसरा हो गया एक बड़ा पिरामिड जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो इन सभी की मात्रा हमें देखनी होती है आपके वास्तु के साइज के हिसाब से, कि इनकी कितने हमें वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में जो है कट निकालने के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक हम एक कर सकते हैं कि जो कॉपर वायर होती है, कॉपर वायर से इतना पोर्शन हम कट कर देंगे। अगर आपका घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है, फ्लैट में हम चेंजेस कर नहीं सकते, घर अगर आपका खुद का है प्लॉट के ऊपर, तो आप ये कट निकाल सकते हो कंस्ट्रक्शन के फेज में। लेकिन फ्लैट में हम फ्लोरिंग पे ये कॉपर वायर डालेंगे। कॉपर वायर डालने के बाद में यहाँ पर एक प्रोसीजर होता है उसका, कॉपर वायर कैसे डाली जाती है। तो ये प्रोसीजर कैसे करते हैं, ये सबसे पहले सिंदूर तेल में मिक्स करके आपको यहाँ पर डालना है, उसके ऊपर ये कॉपर वायर लगाते हैं। लेकिन ये किसी अच्छे मुहूर्त पे ही करना बहुत अच्छा है, तो इसलिए आपको जब भी ये करना है तो आप किसी वास्तु तज्ञ से कंसल्ट कीजिए या फिर हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कट हम निकाल सकते हैं वास्तु में से। तो ये सबसे पहले हो गया पिरामिड स्ट्रिप, बड़ा पिरामिड और कॉपर वायर, ये हो गया मुख्य दिशाओं में। अभी उप दिशाओं के बारे में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले साउथ वेस्ट, समझो साउथ वेस्ट में किसी भी प्रकार से कट है, या तो ऐसा कट हुआ है या ऐसा कट हुआ है, मोस्टली ये कॉमन कट है कि ऐसा डायरेक्ट साउथ वेस्ट कट हो जाता है। तो ये आपको ऐसा वाला सबसे पहले तो फ्लैट लेना ही नहीं है। अगर आपने लिया है तो उसको रेमेडीज कैसे करना है, तो आपको यहाँ पर एनर्जी इन्हांसर पिरामिड्स लगाना है इन दो जगहों पे। एक तो यहाँ पर भी लगाने होंगे, यहाँ पर भी लगाने होंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है साउथ वेस्ट की वो कट हो चुकी है और हम साउथ वेस्ट में पिरामिड नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ पर जगह ही नहीं है। तो हमें इन दो जगहों पर पिरामिड लगा के एनर्जी इन्हांस करना है। आपका बेड अगर इधर है तो हमें यहाँ पर एनर्जी इन्हांस करना है, जो कि बेड का आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर रहेगा, यहाँ पर एनर्जी इन्हांस करना है हमें। तो इस प्रकार से समझो ये उप दिशा में कट है तो हम ये पिरामिड लगा सकते हैं, या फिर वास्तु को हम सीधा कर सकते हैं, जैसे कि ये प्रॉपर शेप में ला सकते हैं। प्रॉपर शेप में लाकर आपको मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम टाइम ये पोर्शन ही आपको यूज़ करना होगा। जब हम प्रॉपर शेप में लाएंगे ये यूज़ करके हम यहाँ पर पूरा एनर्जी फ्लो क्रिएट करेंगे, जैसे कि पिरामिड यूज़ करके। तो ये एक उपाय है कि यहाँ पर ये वाले पिरामिड लगा के हम एनर्जी इन्हांस कर सकते हैं, या फिर पिरामिड स्ट्रिप्स लगा सकते हैं जिससे हम वास्तु को प्रॉपर शेप में लाएं। तो ये दो तीन चीज़ें हो गई। अभी समझो आपका साउथ वेस्ट कट है और साउथ वेस्ट में से ही आपका एंट्रेंस है। समझो आपका साउथ वेस्ट में से एंट्रेंस है, आपको उन्होंने ईस्ट फेसिंग बोल के यहाँ पर दे दिया है, लेकिन ये साउथ वेस्ट के रीजन में है। तो आपको यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाना है। अगर यहाँ से है दक्षिण मुखी है तो आपको पंचमुखी हनुमान जी का फोटो डोर फ्रेम के ऊपर लगाना ही है। लेकिन कभी भी ध्यान में रखिए, आग्नेय कोण में एंट्रेंस है तो पंचमुखी या कौन से भी हनुमान जी का फोटो आपको आग्नेय कोण में इस्तेमाल नहीं करना है, घर के अंदर हो या बाहर हो। ये आपको स्ट्रिक्टली ध्यान में रखना है कि दक्षिण, अगर दक्षिण मध्य से लेकर दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य यहाँ तक है तो आप हनुमान जी का फोटो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको नहीं करना है। तो ये कुछ रेमेडीज है दोस्तों, अगर आपके घर में कट है तो उसको कैसे करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो चैनल में वास्तु का प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिए,
ताकि आपके और भी वास्तु के रिलेटेड कुछ कंसर्न है तो उसके वीडियो उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, तो उसको जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।